This is Ibrahim and welcome back to my another video. So guys, आज मैं आया था कोटली. So आपको पता ही होगा मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई है कोटली की, तो इसलिए मैं आते हुए नहीं बना पाया वीडियो क्योंकि मुझे क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई है कोटली की. So मैं आज कोटली से बाहर निकला और अपने गाँव की तरफ रवाना हुआ जो कि आपको पता ही है रावलाकोट है. तो अभी मैं आपको रास्ते में तत्ता पानी और हजीरा के नज़ारे से दिखाऊंगा. तो आप वॉच टिल दी एंड एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सो गाइस, हजीरा से पहले एक बहुत पॉपुलर जगह है जिसका नाम है तैंतरी नोट, जो कि हजीरा के थोड़ा सा पीछे एक टर्न होता है राइट साइड पे. सो अगर हम लोग वो राइट साइड पे टर्न ले तो फिर वो तैंतरी नोट पे हम लोग जा रहे होते हैं. गाइस, तैंतरी नोट की ख़ास बात यह है कि वहाँ पे बॉर्डर क्रॉसिंग होती है और साथ में वो एक ट्रेड एरिया है. ये आजकल गाइस काफ़ी टाइम पहले जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड शुरू हुआ, सो ये तैंतरी नोट से भी बहुत सारी चीज़ें आर पार जाती थी. कुछ चीज़ें इंडिया पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करता था और कुछ चीज़ें पाकिस्तान इंडिया को एक्सपोर्ट करता था. तो गाइस ज़्यादातर यहाँ पे फूड आइटम्स ट्रेड हो रही थी, मसलन दालें, मसाले और काफ़ी और चीज़ें भी एक्सपोर्ट होती थी. गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हजीरा सिटी में. वो देखिए वहाँ पे हजीरा का एंट्रेंस का पुल है और वो देखिए आगे कॉलेज भी लगते हैं, साथ में बाज़ार भी है और वहाँ पे ऊपर एक मस्जिद भी है. और ये नीचे दरियाए पुंछ है जो कि आपको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर से बहता बहना शुरू होता है और पूरे कोटली से होते हुए पूरे पाकिस्तान में जाता है. गाइस अभी रावलाकोट 17 किलोमीटर दूर रह गया है और साथ में आज हमारे साथ बहुत बुरा हुआ कि हम लोग रास्ता भूल गए. हमें समझ नहीं आ रहा रास्ता क्योंकि हम लोग जब हजीरा पहुँचने लगे साइड पे कुछ लोगों ने हमें बताया कि ऊपर जाना है, तो हम लोग ऊपर गए तो लेफ्ट साइड पे मुड़ गए. असल में उनका रास्ता राइट साइड में था रावलाकोट का. तो हम लोग काफ़ी चक्कर लगाए, समझ नहीं आई, तो एक भाई ने हमें बता दिया ये रास्ता. तो अगर आपको सही में कोटली से रावलाकोट जाना है तो आपको कोटली से सबसे पहले तो लाहौर जाना है, फिर बॉर्डर क्रॉस करके चाइना जाना है और फिर आप पहुंच जाएंगे रावलाकोट अगर आप 5 किलोमीटर और चलाएं गाड़ी. और बस थोड़ी सी देर में ही हम लोग रावलाकोट पहुंच जाएंगे. अभी मैं पहुंच चुका हूँ खाईगला में. सो हजीरा से कोई 25-30 मिनट अगर आप ड्राइव करें तो फिर आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं. और यहाँ से रावलाकोट सिर्फ 11 किलोमीटर दूर है और इंशाल्लाह कुछ ही देर में मैं रावलाकोट भी पहुँच जाऊँगा. सो व्यूअर्स, यहाँ से ब्यूटीफुल वैली शुरू हो गई है. बंद पड़ा हुआ है.
रावणकोट में तकरीबन एंटर होने लगी।